नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। आज साल के पहले सूर्य ग्रहण के दिन एक अद्भुत संयोग बना है। आज के दिन सूर्य और शनि का अद्भुत योग बना है। आपको बता दें, 148 साल के बाद शनि जयंती के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा है। शनि की 7.5 और ढैया जिन राशियों पर चल रही है, उनके पास शनि देव को प्रसन्न करने का आज एक अच्छा मौका है। शनि जयंती के दिन ही सूर्य ग्रहण का संयोग पड़ा है। कुल 148 साल बाद ये संयोग देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इससे पहले 26 मई 1873 में ये संयोग पड़ा था। इस बार का सूर्य ग्रहण वृषभ राशि और मृगशिरा के नक्षत्र में पड़ा है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। इस समय वक्री शनि मकर राशि में है और उसकी दृष्टि मीन और कर्क राशि में विराजमान मंगल ग्रह पर है। शनि को सूर्य पुत्र कहा गया है। शनि जयंती के दिन 7.5 और ढैया वालों को विशेष पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें, शनि जिस राशि में विराजमान होते हैं उसके आगे और पीछे की राशि और उस राशि पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाता है। ऐसे में इस समय शनि मकर में स्थित हैं, वह इनके पहले की राशि धनु और बाद की राशि कुंभ पर 7.5 जारी है। इसके अलावा जिस राशि में शनि स्थित होते हैं उसके षष्टम और दसवीं राशि पर शनि की ढैया चलती है। ऐसे में फिलहाल मिथुन और तुला राशि वालों पर शनि की ढैया जारी है। यही कारण है कि इन्हें और बुरे प्रभावों से बचने के लिए शनि जयंती पर विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं शनि देव को शनि जयंती पर कैसे प्रसन्न करें। शनि जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे शनि दोष कम हो जाता है। हनुमान जी की आरती और चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं। इसके साथ ही शनि जयंती के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उन्हें तिल जरूर अर्पित करें। शनि जयंती के दिन काले कपड़े पहनें, शनि चालीसा पढ़ें और गरीबों को दान जरूर करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।